हेलो डियर ऑडियंस वेलकम टू द न्यू वीडियो डियर ऑडियंस आज की हम वीडियो में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी एजेस हैं जितने भी पीरियड्स हैं उनको हम वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसके अलावा आने वाली वीडियोस में हर पीरियड्स को हम विद द डिटेल भी डिस्कस करेंगे जिनका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा द पीरियड्स ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर द पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसके टोटल आठ पीरियड्स हैं तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं फर्स्ट पीरियड इज़ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जिसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है इसकी जो टाइम लाइन है वो 452 हंड्रेड फिफ्टी टू वन थाउजेंड है फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इसके जो फीचर्स हैं फर्स्ट है ओल्ड इंग्लिश वाज अ मिक्सचर ऑफ नेटिव ब्रिदोनिक लैंग्वेज एंड ट्राइबल जर्मेनिक लैंग्वेज जो ओल्ड इंग्लिश है वो दो लैंग्वेजेस का मिक्सचर है एक नेटिव ब्रिदोनिक लैंग्वेज और दूसरी ट्राइबल जर्मेनिक लैंगवेज सेकेंड एंग्लो सैक्सन यूज एट्रेशन एंड कैनिंग्स इन देयर पोइट्री जो एंग्लो सैक्सनस थे जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर था उसमें मोस्टली एलिट्रेशन्स का यूज़ होता था और जो राइटर्स होते थे वो कैनिंग्स यूज़ करते थे जिसको हम तखलस या उर्फ़ कहते हैं यानी अपने नाम के साथ जो उनका अपना कोई खिताब होता था वो यूज़ किया करते थे एंग्लो सैक्सन पोट्री कैन भी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स एंग्लो सैक्सन की पोइट्री तीन तरह की हुआ करती थी हीरोइ पोएट्री जिसकी एग्जाम्पल है ब्यो वोल्फ लिरिकल पोएट्री जिसकी एग्जाम्पल है वाण्रर एंड सी फॉरर एंड क्रिश्चन पोएट्री यानी जो रिलीजियस पोट्री होती थी वो भी उसमें शामिल थी ड्रीम ऑफ द रूड ये क्रिश्चन पोट्री की एक एग्जाम्पल है उसके बाद जो पॉपुलर पर्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड इनमें दो पॉपुलर पर्स थे कैडमन एंड सिंवल किंग ऑगस्टाइन कन्वर्टेड इंग्लैंड टू अ क्रिश्चियन नेशन जो किंग ऑगस्टाइन थे उन्होंने इंग्लैंड को क्रिश्चियन नेशन में कन्वर्ट किया था प्रोज डिवेल्प आफ्टर क्रिश्चियनिटी वॉज स्प्रेड क्रिश्चियनिटी के फैलने से वहां पे प्रोज यानी जो ऐसे तरह की राइटिंग थी पोट्री से हट के वो भी वहाँ पे डेवलप होना शुरू हुई किंग अल्फ्रेड द ग्रेट स्टार्टेड द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल वहाँ पे किंग अल्फ्रेड ग्रेट ने एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल्स भी लिखना लिखवाना स्टार्ट करा दिए थे जो कि प्रोज की एक फॉर्म थे किंग अल्फ्रेड द ग्रेट वॉज द की फ़िगर इन एंग्लो सेक्सन प्रोज क्रॉनिकल्स क्रोनिकल्स क्या होते हैं अ फैक्चुअल रिटर्न अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्रंस जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होते थे वो उनको लिखते जाते थे जिससे प्रोज जो है वो डिवेल्प हुआ था उसके बाद जो सेकेंड पीरियड है वो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड इसको एंग्लो फ्रेंच पीरियड भी कहा जाता है टाइम लाइन वन टू 1350 हंड्रेड है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड का है द एंग्लो नॉर्मन पीरियड वाज स्टार्टेड आफ्टर द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन 1066। एक जंग हुई थी बैटल ऑफ हेस्टिंग 1066 में विलियम वन द नॉर्मन किंग डिफीटेड किंग हेरोल्ड एंड अक्यूपाइड ब्रिटेन विलियम जो था वो बाहर से आया था उसने ब्रिटेन को आकोपाइड किया था किंग हेरल्ड को डिफीट करके बिफोर द नॉर्मन कंक्वेस्ट देर वॉज नॉट एनी सिंबल ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बट द नॉर्मल ब्रॉड विद दम फ्रेंच कल्चर एंड लैंग्वेज जो नॉर्मल थे ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले थे जब उन्होंने वहाँ पे कंक्वेस्ट की तो उनका कल्चर भी वहाँ पे फैलना शुरू हुआ और फ्रेंच लैंग्वेज भी वहाँ पे फैलना शुरू हुई मिडल एज इंग्लिश लिटरेचर ये एक्चुअली जो हमने पहले पढ़ा है ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो नॉर्मन पीरियड ये मिडल एज इंग्लिश लिटरेचर में आ जाता है एंग्लो नॉर्मन द एज ऑफ चौसर एंड आफ्टर चौसर इंग्लिश लिटरेचर ये तीन एजेस हैं जो कि मिडल पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इंक्लूड करती हैं फीचर्स ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंग्लो फ्रेंच या एंग्लो नॉर्मन पीरियड्स के जो फीचर्स हैं उनमें सबसे पहला जो फीचर है अपर क्लास पीपल स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज एंड ऑर्डनरी पीपल स्पोक ओल्ड इंग्लिश जो लोग वहाँ पे रूल कर रहे थे वो अपर क्लास के लोग थे और वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे जबकि जो वहाँ के ऑर्डनेरी पीपल थे वो ओल्ड इंग्लिश बोला करते थे सेकेंड ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश इन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स में ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई थी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश एन टेड नाइन पॉपुलर पर्स जॉफ्री ऑफ मनमोथ वेस लेमन पैरल पर्च पर्ल पर्ट ये वो पर्स थे जो कि उस वक्त पॉपुलर थे फेमस वर्कस सरगवैन द ग्रेट नाइट ऑल एंड द नाइट एंगे उसके बाद हम आ जाते हैं एज ऑफ चौसर एज ऑफ चौसर की जो टाइम लाइन है वो थर्टीन हंड्रेड फोर्टी टू फोर्टीन हंड्रेड एडी है ओपनिंग मूवमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज ऑफ चौसर को ओपनिंग मूवमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है जॉफरी चौसर लिव्ड अंडर द रूल ऑफ थ्री किंग्स ये जो पोर्ट थे जॉफ्री चौसर इन्होंने तीन किंग्स के यानी के रूल में रहे थे एडवर्ड थ्री रिचर्ड टू एंड हैंनरी फोर वन हंड्रेड यर्स वॉर अच्छा जो एज ऑफ चौसर है उसके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो कौन से हैं सबसे पहला जो है वो है हंड्रेड यर्स वॉर हंड्रेड ईयर्स जो है ये थर्टीन हंड्रेड थर्टी सेवन टू फोरटीन हंड्रेड फिफ्टी थ्री तक कॉन्टीन्यू रही थी हंड्रेड ईयर्स वाज अ सीरीज ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्स बिटवीन द किंगडम्स ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस ड्यूरिंग द लेट मिडल एजेज इंग्लैंड और फ्रांस के दरम्यान कन्फ्लिक्ट लड़ाइयाँ होती रहीं इट ओरिजिनेटेड फ्राम डिस्प्यूटेड क्लेम्स टू द फ्रेंच थ्रोन बिटवीन इंग्लिश royal house of Plantagenet and the french royal house of Valois. second isme event we have black death 1448 the black death also known as the pestilence the great mortality or simply the plague was a bubonic plague, plague pandemic occurring in afro यूरेशिया फ्राम थर्टीन फोटी सिक्स टू थर्टीन फिफ्टी थ्री ये एक प्लेग का ज़माना था पेंडामिक का ज़माना था जिसमें बहुत सारे लोग जो थे मिलियंस की तादाद में मारे गए थे पीजेंट रेबिलियन थर्टीन एटी वन इसका जो थर्ड इम्पॉर्टेंट इवेंट है एज ऑफ चौसर का वो है पीजेंट रेबिलियन द पीजें रिवोल्ट आल्सो नेम्ड वॉट टाइलर्स रेबिलियन द्रेट राइजिंग ये जो पीजन रिवोल्ट है इसके तीन चार नाम हैं जो आपके तो सामने लिखे हुए हैं वॉल मेजर अपराइजिंग अक्रॉस लार्ज पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड इन थर्टीन एटी वन द रिवोल्ट वेरियस कॉजेज अच्छा ये जो रिवोल्ट थी ये जो रेबिलियन थी इसकी डिफरेंट काजेस थी इंक्लूडिंग द सोशियो इकनॉमिक एंड पोलिटिकल टेंशन जनरेटेड बाय ब्लैक डेथ इन दर्टीन फोर्टीज द हाई टेक्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कंफ्लिक विद फ्रांस ड्यूरिंग द हंड्रेड इज वार्स एंड इनस्टेबिलिटी विद इन द लोकल लीडरशिप ऑफ लंडन इसकी जितनी भी काजेज है वो यहां पर मैंशन कर दी गई है तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट भी डिफरेंट एजेस के हम साथ, साथ डिस्कस करते जा रहे हैं इंपॉर्टेंट वर्कस ऑफ चौसर चौसर के जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनमें सबसे फेमस है केंटरब्रे टेल फिर है द बुक ऑफ डचेस द हाउस ऑफ फेम द पार्लियमेंट ऑफ फॉल्स ट्रायलर्स एंड क्राइसाइड लेजेंड ऑफ अ गुड वोमेन इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स थे जिनमें विलियम ब्लैंगलैंड और जॉन गोवर पॉपुलर हैं जॉन वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड लैटिन बाइबल इन टू वर्नाकुलर इंग्लिश जो जॉन वाइक्लिफ थे उन्होंने लेटिन बाइबल को उस वक्त जो आम बोलने जाने वाली इंग्लिश हुआ करती थी उसमें ट्रांसलेट किया था जिससे इंग्लिश लिटरेचर में लैटिन का भी ऐसा ऐसा से जो था असर वो शुरू हो गया जिसका नाम है हेनरी एट ये हेनरी एट की बेटी थी तो क्वीन मैरी के बाद क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड का चार्ज संभाला और उन्होंने वहां पे अमनो अमान कायम किया रेनेसांस हुमनिजन। रेनेसांस ह्यूमनिज्म एक अलग से मूवमेंट है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे ड्रामा फलरिस्ट एलिजाबेथ के एज में जो ड्रामा था वो डेवलप हुआ फ्रांसिस बेकन वाज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मूवमेंट एक और इवेंट है साइंटिफिक मूवमेंट जिसको फ्रांसिस बेकन ने स्टार्ट किया था पॉपुलर पोएट्स ऑफ एलिजाबेथन एज एडमंड स्पेंसर एंड फिलिप सिडनी उसके अलावा ड्रामेटेस्ट भी थे जिनमें क्रिस्टोफर मार्लो थॉमस किड विलियम शेक्सपियर पॉपुलर है उसके बाद है जैकोबियन एज 1603 टू तो 1625। जैकोबियन एज का नाम किंग जेम्स के के रूल रूल मुताबिक उनको उस इस एज का नाम रखा गया है ही वॉज अर्लियर द किंग ऑफ स्कॉटलैंड ही वॉज द फर्स्ट स्टूअर्ड किंग इंग्लैंड पे रूल करने वाला पहला जो है ये स्कॉटलैंड का किंग था गन पाउडर ट्रिजन जकोबियन एज का जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है गन पाउडर ट्रिजन एक शख्स जिसका नाम गाय फॉक्स था वाज़ द मेन कंस्पायरेटर उसने इस इवेंट को लीड किया था उसमें यह था कि ही प्लॉटेड दिस ऑल इवेंट वाज़ प्लॉटेड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कैथोलिक पीपल टू मर्डर किंग जेम्स वन ये कैथोलिक पीपल का एक छोटा सा गिरोह था ग्रुप था जिन्होंने किंग जेम वन को मर्डर करने के लिए यह सब प्लाट किया था टू रीस्टोर कैथोलिसिज्म ताकि ये कैथोलिसिज्म हमारे जो इंग्लैंड है उसमें वापस आ जाए लेटर ही वॉज अरेस्टेड जो गाय फॉक्स था वो पकड़ा गया था उसके बाद कैरोन एज सिक्सटीन टी फाइव टू सिक्सटीन फोर्टी द सन ऑफ किंग जेम्स वन जो किंग जेम्स वन का बेटा था जिसका नाम था किंग चार्ल्स रूड इस दौर में किंग चार्ल्स ने रूल किया ही टुक मैनी रॉन्ग डिसीजन that मेक पीपल थ्रो हिम आउट ऑफ द इंग्लैंड एंड लेट टू द सिविल war. उसने बहुत सारे रॉन्ग डिसीज़न किए थे जिससे लोग जो है उसके खिलाफ हो गए और फिर इंग्लैंड के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया ड्रामाटस्ट इसके जमाने के जो ड्रामे टेस्ट है उनमें बेन जॉनसन जॉर्ज चॉपमैन माउंट एंड फ्लेचर, जॉन वेबस्टर एंड थॉमस मिडलटन पोएट्स ऑफ द कैरोलिन एज कैरोलिन एज में मेटाफिजिकल पर्ट्स है जिनमें एंड्रयू मार्वल जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट फेमस हैं फिर आ जाता है द सिविल वॉर एंड कॉमनवेल्थ पीरियड हंड्रेड फोर्टी टू सिक्सटीन सेवेंटी सिविल वॉर टुक प्लेस बिटवीन किंग चार्ल्स वन एंड पार्लियमेंट यू किंग चार्ल वन जिसको हमने पहले पढ़ा है कैरोन एज में इन सिक्सटीन फोर्टी नाइन चार्ल्स वन वॉज एक्सिक्यूटेड चार्ल्स वन को कत्ल कर दिया गया मार दिया गया ओलीवर क्रोमवेल बिकेम द लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड जो ओलिवर क्रॉमवेल था ये एक पार्लियामेंटेरियन था तो ये जो है लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड बन गया थैटर्स बैंड इस दौर में इस ड्यूरेशन में थैटर्स को बैन कर दिया गया जो राइटर्स थे इनमें जॉन मिल्टन और जॉन बनियन शामिल हैं उसके बाद आ जाती है रिस्टोरेशन एज या एज ऑफ रिस्टोरेशन इसका टाइमलाइन है 1662 1700 हंड्रेड चार्ल्स टू सन ऑफ चार्ल्स वन वॉज री स्टोर टू द थ्रोन जो चार्ल्स वन जिसको एक्सिक्यूट कर दिया था उसके बाद उसका बेटा जो है वो थ्रोन पर वापस आ गया उसने रूल किया थैटर बैन वॉज लिफ्टेड जो थेटर पर बैन लगाया गया था वो उठा लिया गया टू पोलिटिकल पार्टीज इमर्ज विग्स एंड ट्रोरीज ये दो पोलिटिकल पार्टीज भी इंग्लैंड में उस वक्त इमर्ज हुई राइटर्स writers of the restoration age are john dryden, william congreve, john vandrew, afra ban, thomas rymar. next age is enlightenment age, 1700 to 1798. this age is also known as the age of reason, the age of sensibility, neoclassical age, and augustan age. age of prose and reason, enlightenment age, इतने सारे नाम दिए जाते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन विद साइंटिस्ट लाइक न्यूटन एंड गलील्यू इनलाइटनमेंट एज में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया लोग रीजन से बात करते थे चीज़ों को समझने लग गए उस दौर में जो ग्रेट साइंटिस्ट जिनमें न्यूटन एंड गलीलियू भी शामिल थे उन्होंने भी इस एज में बड़ा साइंटिफिक रिसर्च की कॉफी हाउस कल्चर इन लाइटनमेंट एज में कॉफी हाउस कल्चर स्टार्ट हुआ दैट लेड टू द पब्लिकेशन ऑफ मैगजीन्स जिससे मैगजीन्स या जो न्यूज पेपर थे वो पब्लिश होना शुरू हुए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश बाय सैम्यूल जॉनसन इनलाइटनमेंट एज में जो फर्स्ट डिक्शनरी थी इंग्लिश लैंग्वेज की जिसको सैम्यूल जॉनसन ने पब्लिश किया था राइटर्स कॉमनली रोड सेटायर्स राइटर मोस्टली लिखा करते थे राइटर्स ऑफ इनलाइट एज आर अलेक्सेंडर पोप जोनाथन स्विफ्ट रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन डैनियल डेफो हैनरी फील्डिंग एंड सैम्यूल रिचर्सन नेक्स्ट एज इज द 1837। द रोमांटिक एज स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलाड लिरिकल बेलार्ड जब पब्लिश हुए थे एक्चुअली लिरिकल बेलाड वॉज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय विलियम वर्जवर्थ एंड सैम्यल टेलर कॉलरेज इन सेवनटीन इन लिरिकल बेलट के पब्लिश होने के साथ ही जो रोमेंटिक एज थी वो स्टार्ट हुई एक्चुअली उससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गई थी जिसका रिजल्ट क्या हुआ ड्यू टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सच एज वो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या थे पोल्यूशन मटीरियलाइजेशन एंड एंड डी लेबर, जो मजदूर थे उनकी जगह मशीनें ले रही थी पोल्यूशन फैल रही थी डिफॉरेस्टेशन हो रही थी जो नेचुरल इन्वामेंट था उसको स्पॉयल किया जा रहा था पोल्यूट किया जा रहा था राइटर्स ट्यून टूअर्ड्स नेचर जो उस वक्त के सेंसिटिव राइटर्स थे उन्होंने नेचर के बारे में लिखना शुरू कर दिया आइडियलाइजेशन ऑफ रूरल लाइफ जो विलेज लाइफ थी जो रूरल लाइफ थी उसको आइडियलाइज करना शुरू कर दिया फीलिंग्स एंड इमोशंस वर इम्पॉर्टेंट लोग बड़े बिजी हो रहे थे अपने बिजनेस में अपने काम काज में क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवलेशन था लोग धड़ाधड़ अपनी बाकी मसरूफियात और बाकी चीज़ें छोड़ के सिर्फ चीज़ें बनाने में और पैसा कमाने में लगे हुए थे तो उस वक्त के रोमांटिक जो एज के राइटर्स थे उन्होंने फीलिंग्स एंड इमोशंस को इम्पॉटेंट कहा रोट इन प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज तो पर्ड्स ने बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके लिखना शुरू किया जिससे आम लोगों को भी अच्छे से बातें समझ आ जाती थी रोमांटिक वर्ड्स कौन से थे विलियम वर्ड्सवर्थ वर्थ टेलर कॉलेज Robert Southey, Lord Byron, P.B. Shelley, and John Keats. Uske ilawa, novelists of Romantic Age: Jane Austen, Walter Scott, Horace Walpole, and Richard Sheridan. Next age is Victorian Age (1837 to 1901), the reign of Queen Victoria. Next golden age of Britain after the Elizabethan Age. एलिजथन एज को गोल्डन एज ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है जबकि विक्टोरियन एज जो है ये नेक्स्ट गोल्डन एज ऑफ ब्रिटेन है आफ्टर द एलिजथन एज एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्लरिस्ट देर वाज आ डिशन इन वर्किंग कंडीशन ऑफ पुअर पीपल जो आम लोग के काम करने के हालात थे उनमें बड़ी खराबी थी बहुत बुरे हालात में वो काम किया करते थे दिस वॉज द रीज़न रवाग ब्रिटिश वर्किंग क्लास मूवमेंट एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था ब्रिटिश वर्किंग क्लास मूवमेंट्स यह उन पुअर पीपल के राइट्स के लिए थी जिनकी वार्स जो कि वार्स वर्किंग कंडीशन में काम किया करते थे अब इसी विक्टोरियन एज में चार्ल्स डार्विन चार्ल्स डार्विन उसने पब्लिश की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यह उसकी बुक थी अ क्लैश बिटवीन फेथ एंड रीजन जो चार्ल्स डार्विन की बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज उसने ये कहा था कि जो इंसान है वो ऐप से उन्होंने ओरिजिनेट किया है यानी कि वो पहले बंदर थे उसके बाद उन्होंने उनमें जो एवोल्यूशन हुई उनमें जो चेंजेस हुई जिससे वो इंसान बन गए इस थ्योरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था लेकिन जब ये थ्योरी उसने पेश की थी तो उस वक्त इसका बड़ा चर्चा हुआ था पोर्ट्स ऑफ विक्टोरियन एज एल्फ्रेड टैनिसन रॉबर्ट ब्राउनिंग मैथ्यू और मैनले हॉपलिस्ड डी जी रोजेटे नावलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज चार्ल्स डिकन्स एलिजथ गैसकिल जॉर्ज इलियट शार्लेट ब्रांट्री एमली ब्रांची एंड एनी ब्रांट्री ये सारी जो हैं तीनों सिस्टर्स हैं थॉमस हार्डी ऑस्कर वाइल्ड विलियम मैकपीस ठाकरे उसके बाद है मॉडर्न एज नाइनटीन हंड्रेड वन टू नाइनटीन फोर्टी फाइव सोसाइटी बिकेम फ्रेगमेंटेड मॉडर्न एज में जो सोसाइटी थी वो फ्रैगमेंटेड हो गई लोग एक दूसरे से दूर हो गए वर्ल्ड वार वन मॉडर्न एज का जो सबसे अहम इवेंट था वो था वर्ल्ड वॉर वन 1914 टू 1918 हंड्रेड एटीन पीपल्स आर मैसेव डिस्ट्रैक्शन ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो और एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है दैट इज ग्रेट डिप्रेशन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी हंड्रेड थर्टी स्टॉक मार्केट क्रैश एंड इट अफेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी मॉडर्न राइटर्स सा अ डिक्लाइन इन सिविलाइजेशन एंड डिग्रेडेशन इन ह्यूमैनिटी राइटर्स बिकेम इंटरेस्टेड इन द फंक्शनिंग ऑफ माइंड आफ्टर सिगमेंट फ्रूड पब्लिश इंटरप्रटेशन ऑफ ड्रीम्स इन नाइनटीन हंड्रेड this led to the stream of consciousness novels non-linearity in plots symbolism was used in writings. modern writers may t.s eliot w.b yeats james joyce virginia woolf joseph conrad george orwell d.h lawrence and e m foster and g b shaw shamilhan उसके बाद है पोस्ट मॉडर्न एज 1945 टू प्रेजेंट पोस्ट मॉडर्न एज में ब्रिटिश लॉस इट्स पावर एंड यूएसए बिकेम अ सुपर पावर विद ग्रेट इकोनॉमी एवरीथिंग वाज फ्रेगमेंटेड एंड डिसऑर्डर्ड राइटर्स स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग द अब्सर्डिटी एंड डिसऑरिएशन इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग लॉजिक एंड रैशनैलिटी आपको ये पता होना चाहिए पोस्ट मॉडर्न एज से पहले वर्ल्ड वार टू जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी जिसमें फर्स्ट टाइम एटॉमिक बम का यूज़ किया गया था और जितनी भी नेशंस वर्ल्ड वार टू में इन्वॉल्व थी वो बुरी तरह से बदहाली का शिकार थी तो अब जो राइटर्स थे उन्होंने अप्सर्डिटी और डिस को लेके लिखना शुरू किया थिएटर ऑफ अब्जर्ड एंग्री यंग मैन थिएटर एंड कंफेशनल पोएट्री बिकेम पॉपुलर पॉपुलर राइटर्स जो उस जमाने के पॉपुलर राइटर्स थे वो कौन थे सैमुअल बकेट हेरल्ड प्रिंटर टॉम स्टॉपर्ड जॉन ऑसबॉर्न फिलिप लार्कन टेड हिल्स, अगाथा क्रिस्टी समरसेट मोगम डोरिस एंड एंगला कार्टर ये उस जमाने के पोस्ट मॉडर्न एज के जो हैं ये पॉपुलर राइटर्स हैं डे स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो बड़ी यूजफुल लगी होगी काइंडली अपने फैलोज़ के साथ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इन जो कमिंग सीरीज में होगी उसमें हम जो रिमेनिंग एजेस हैं उनको भी हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे सो कीप वाचिंग See you in the next video.